अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू ऑल आर फाइन। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी जी कोर्स कोड 8605 की असाइनमेंट नंबर 1। ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। आज की जो वीडियो है इसमें रिक्वेस्ट आई है कि कुछ बच्चों को जो है वो बुक्स नहीं मिली, तो वो चाह रहे हैं कि मैं एक एक पेज करके जूम करके उन्हें दिखा दूँ ताकि वो वहाँ से स्क्रीन शॉट लेके लिख सकें। तो ये मैं दोबारा बना रही हूँ वीडियो उन बच्चों के लिए जिनको बुक्स नहीं मिली। सो हम स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया या आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे पहले सब्सक्राइब कर दें। इससे ये होगा कि आपको मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलेगी। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट जो है वो भी अपलोड करूँगी कोर्स की वीडियो जो है डिफरेंट सेमेस्टर्स की, तो वो भी आप देख सकते हैं। तो असाइनमेंट नंबर 1 शुरू करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका आंसर आपको मिल जाएगा पेज नंबर 4 एंड पेज नंबर 9 पे। सो हम देख लेते हैं पेज नंबर 4 एंड 9 में। क्वेश्चन दोबारा नहीं पढ़ रही लेकिन मैं एक दफ़ा दिखा देती हूँ कि जिन्होंने अगर क्वेश्चन नहीं है तो वो यहाँ से देख के लिख सकते हैं, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लेंथी हो जाती है। सो हम पेज नंबर 4 से स्टार्ट करते हैं। सो पेज नंबर 4 है जी, यहाँ से आपका स्टार्ट हो रहा है। मैं इसको जूम इन कर लेती हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। क्वालिटी और बेहतर कर लेंगे तो वो और भी क्लियर स्क्रीन शॉट्स आएंगे, क्लियर वर्डिंग आएगी आपको, और वो आप कैसे कह सकते हैं इसका भी मैं लिंक डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन में और एंड स्क्रीन पर भी दे दूँगी, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। वीडियो का नेम है जी हाउ टू मेक PDF वर्ड्स क्लियर। मेरे चैनल पे सेकंड प्लेलिस्ट है, आप मेरी प्लेलिस्ट में जाएंगे तो सेकंड प्लेलिस्ट में आपको ये मिल जाएगी वीडियो। अगर वहाँ से नहीं मिलती तो आप लिंक से देख लीजिएगा। यह है जी पेज नंबर 5 का स्टार्ट है, ठीक है जी। देन यह है जी पेज नंबर 5 का मिड एंड यह है जी इसका लास्ट पोर्शन है पेज नंबर 5, ठीक है। देन है जी पेज नंबर 6। पेज नंबर 6 शुरू हो रहा है जी यहाँ से। ठीक हो गया जी। देन है जी नेक्स्ट हेडिंग। और ये है जी लास्ट ऑफ द पेज। होपफुली आपने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। ये है जी पेज नंबर 7, साइड पे कर लेती हूँ। पेज नंबर 7 स्टार्ट हो रहा है यहाँ से। सॉरी, चलिए जी अब ले लें पेज का स्क्रीनशॉट। देन है जी मिड ऑफ द पेज नंबर 7 और ये है जी पेज नंबर 7 का लास्ट। देन है पेज नंबर 8। पेज नंबर 8 शुरू हो रहा है जी यहाँ से। एंड ये है जी लास्ट ऑफ द पेज नंबर 8। पेज में आपको एंड में दिखा देती हूँ ताकि मिक्स ना हुआ करे। यह है जी पेज नंबर 9, ठीक हो गया जी। इसका सेकंड पार्ट यहाँ तक आपने क्वेश्चन एंड कर देना पेज नंबर 9 पे, ठीक है जी। सो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा एंड हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 2 ये लिखा हुआ है, डिस्क्राइब द कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट एंड डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस एंड दिस डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है जी। ये दो साइंटिस्ट हैं, इनके काम पे ऊपर जो है आपने देनी है कि इन्होंने कौन सी थ्योरी दी थी, ठीक है। तो इसका आंसर आपको मिल जाएगा पेज नंबर 28 से 29 पे, और फिर 30 पेज पे 0.5 है जस्ट आपने वो लिखना, एंड देन 35 से 39 पे। तो पहले मैं आपको पेज नंबर 28 और 29 दिखा देती हूँ। सो जी पेज नंबर 28 पे आ जाते हैं। पेज नंबर 28 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है जी। इसमें सबसे पहले मीनिंग्स हैं और बेसिक एलिमेंट्स ऑफ मैनेजमेंट है, ये आप देख लें, ठीक हो गया जी। देन मिड ऑफ द पेज है, पेज नंबर 28 है ये, ठीक है जी। और ये लास्ट ऑफ द पेज है, पेज नंबर 28।
देन है पेज नंबर 29। पेज नंबर 29 की जस्ट सिर्फ ये एक ही लाइन है जो आपने करनी है यहाँ तक, ठीक है, फर्स्ट लाइन। फिर उसके बाद आपने क्या करना है कि 0.5 जो पेज नंबर 30 का नेक्स्ट पेज पे आ जाएं, तो ये 0.5 जो लिखा हुआ है, एक मिनट ही चलें, ये दिस वन 0.5, ये यहाँ से लेके यहाँ तक जस्ट आपने करना है, ठीक है, ये हो गया। देन पेज नंबर 35 पे आ जाएं, पेज नंबर 35 शुरू हो रहा है यहाँ से, तो यहाँ पे देखें आपको हेडिंग मिलेगी कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट इन ब्रॉडर सेंस, तो ये आपने लिखना स्टार्ट करना है यहाँ से फिर, ठीक है जी। ये इसकी एक फिगर बनी हुई है, ये था जी पेज नंबर 35। देन है जी पेज नंबर 36 जो कि स्टार्ट हो रहा है यहाँ से, देन दिस वन, एंड ये जी पेज नंबर 36। नेक्स्ट है जी पेज नंबर 37। 37 स्टार्ट हो रहा है यहाँ से, इसके कुछ पॉइंट्स हैं 0.9 तक, ये हैं जी इसकी रिलेटेड डायग्राम, डायग्राम में उठा के थोड़ी सी दिखा देती हूँ और क्लियर हो जाएगी, ये इसके स्टेप्स हैं जी, ठीक हो गया। देन लास्ट टू पेजेस रह गए 38 पेज नंबर, ये है जी पेज नंबर 38 का स्टार्ट, देन है जी पेज नंबर 38 का मिड, 4 पॉइंट्स हैं विद हेडिंग्स, और ये है जी लास्ट। फिर आ जाते हैं पेज नंबर 39 पे, तो ये है जी पेज नंबर 39, यहाँ तक आपने एंड करते हैं पॉइंट्स तक, ठीक। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का आप देख सकते हैं आंसर मिल जाएगा पेज 49 से 50 तक एंड देन 55 से 56 पे, तो पेज नंबर 49 देख लेते हैं हम, पेज नंबर 49 ये है जी पेज नंबर 49, ठीक है जी। यहाँ से आपने स्टार्ट करना है मीनिंग ऑफ सुपरविजन से, ठीक है, पेज नंबर 49 एंड देन पेज नंबर 50 पे आपने कहाँ तक लिखना है, जस्ट यहाँ तक, ये ठीक है जी। इस क्वेश्चन नंबर 1 पे मत जाइएगा, ये क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है, ये मैंने पिछले क्वेश्चंस के लगाए हुए आंसर, ठीक है जी। तो यहाँ तक आपने लिखना है, उसके बाद आपने आना है पेज नंबर 55 पे, पेज नंबर 55 रहा जी ये पर्पस एंड नीड्स ऑफ सुपरविजन, यहाँ से आपने स्टार्ट कर देना, ठीक हो गया जी। लास्ट के पॉइंट्स हैं, देन आ जाएं पेज नंबर 56 पे, इस पर कुछ और मज़ीद पॉइंट्स गिवन है, यहाँ तक आपने क्वेश्चन एंड कर देना, होपफुली आपने स्क्रीनशॉट्स ले लिए होंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 4 है ये, और इसका आंसर आपको मिल जाएगा पेज नंबर 66 से 69 तक, और इसका जो इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन है वो मैं लिंक डाल चुकी हूँ अपनी पिछली वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ से जो है 8605 कोड की पढ़ी भी होगी वीडियो मेरी प्लेलिस्ट में, तो आप वहाँ से इसका लिंक देख लीजिएगा, ठीक है। तो 66 से 69 तक की पेजेस मैं आपको दिखा देती हूँ जो आंसर इसका बुक से बनता है। सो जी पेज नंबर 66 ये रहा, सबसे पहले तो हमने डेफिनेशंस लिखनी है, इसके एम्स लिखने, ऑब्जेक्टिव्स लिखने हैं एजुकेशन के, ठीक है जी, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। देन दिस वन, This
ये रहा पेज नंबर 66, देन है जी पेज नंबर 67, ये है जी पेज नंबर 67, फिर ये आ जाएगा जी एंड ऑफ द पेज। ठीक है जी, अब 68 पेज देख लेते हैं। ये है जी पेज नंबर 68 का स्टार्ट। फिर ऑब्जेक्टिव्स हैं ह्यूमन रिलेशनशिप्स के, देन दिस वन। ठीक है जी, पेज नंबर 69 पे यहाँ तक ये हेडिंग एंड हो जाती है, जस्ट आपने यहाँ तक लिखना है। पेज नंबर 69 है ये। ठीक है जी, इम्पोर्टेंस आपको पिछली वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है जी, इसका आंसर आपको मिल जाएगा पेज नंबर 88 से लेकर 89 तक, और इसकी भी जो इम्पोर्टेंस आपसे पूछी गई है स्कूल डिसिप्लिन के बारे में, वो भी आपको लिंक मिल जाएगा पिछली वीडियो जो मैंने डाली थी उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स से। ठीक है जी, तो पेज नंबर 88 से 89 हम देख लेते हैं। ये है जी पेज नंबर 88 का स्टार्ट, मीनिंग एंड पर्पस ऑफ स्कूल डिसिप्लिन, कि स्कूल डिसिप्लिन होता क्या और वो क्यों ज़रूरी है। ठीक हो गया जी, पेज नंबर 88 एंड होता है यहाँ पे, एंड देन है पेज नंबर 89। यह है जी पेज नंबर 89 का स्टार्ट, और फिर हैं जी ये इसके कुछ हिंट्स। तो यहाँ तक आपने क्वेश्चन अपना एंड कर देना बिहेवियर पर। तो यहाँ पे जी हमारी असाइनमेंट नंबर 1 कंप्लीट होती है कोर्स कोड 8605 की, होपफुली आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। मज़ीद वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कर दें, कमेंट सेक्शन में अपनी फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगर आपका इससे रिलेटेड कोई सवाल है तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या इसके अलावा अगर आप किसी और कोर्स कोड की वीडियो चाहते हैं, असाइनमेंट चाहते हैं, तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, टिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।